दो बल्ब दिया गया है 40 वाट और 100 वाट का, और दोनों 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। सवाल ये है कि अगर इन दोनों को हम सीरीज में जोड़कर 440 वोल्ट से जोड़ देंगे तो दोनों में कौन फ्यूज हो जाएगा। पहले हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। अगर ए के लिए देखें तो पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर वन होगा, तो क्योंकि ए का पावर जो है वो 40 वाट है और वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा 220 गुणे 220, और इसका आर वन मान तो जिससे आर वन का वैल्यू निकाला जाए तो आर वन का वैल्यू 1210 ओम आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब जो मैक्सिमम करेंट इससे जो पास हो सकता है आई वन बराबर वी बाई आर, क्योंकि वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 1210 है, तो इसको सॉल्व करने पे आता है 0.18 एम्पियर, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही अगर बी के लिए देखा जाए तो बी के लिए जब पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर टू यूज करेंगे तो पावर 100 वाट दिया गया है, बाकी वी स्क्वायर बाई आर टू का वैल्यू पुट करके आर टू निकालेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। यानी इसमें जो मैक्सिमम करेंट पास होगा आई टू वो हमें निकल सॉल्व होकर कितना आया 0.45 एम्पियर आ गया, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब क्योंकि ये दोनों बल्ब सीरीज में है तो इसलिए इनका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R1 प्लस R2 होगा, इन दोनों को जोड़ के 1694 ओम आ जाएगा, जबकि वोल्टेज कितना दिया गया है 440 वोल्ट है। तो इसलिए अगर नेट करंट इस सर्किट से निकाला जाए वी बाई आर करके तो 440/1694 बराबर 0.26 एम्पियर आया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 0.26 एम्पियर है वो 0.18 एम्पियर से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इतना सारा करंट ए से पास होगा यानी 40 वाट से पास होगा तो ये फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट को सहने की क्षमता 0.18 एम्पियर थी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 12 में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मैंगनीन नाम के एलॉय का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी। तो 13वां क्वेश्चन है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड है। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई एक मेटालिक रड जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि जो निगेटिव रड है उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। हम लोग इसमें जानते हैं कि एनोड का मास धीरे धीरे लिबरेट होता है और वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर चाहे मास डिपॉजिटेड या मास लिबरेटेड जो भी होगा वो इनके बीच जो चार्ज का फ्लो होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे चार्ज फ्लो करते चले जाएंगे वैसे वैसे मास यहाँ से लिबरेट होंगे और यहाँ पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। हम लोग एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख सकते हैं या क्यू के जगह पर हम लोग आई टी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा 13 में यही आंसर हो जाएगा आई टी जो क्वेश्चन दिया गया है वो। अब आगे देखो, जब इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो एक हम लोग कॉन्स्टेंट जेड लिखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये हमारा जो नियम हुआ दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ में अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिनको हमने लगातार सीरीज में ज्वाइंट कर दिया गया है ये दिखाने के लिए कि सभी में पास होने वाले इलेक्ट्रिक करेंट बराबर बराबर है, समझे। यानी कि अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बराबर बराबर करंट को फ्लो करवाया जाएगा तो उस केस में सभी में जो मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके इक्विवेलेंट वेट के होगा। आप लोग इसके बारे में जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय फैक्टर, ठीक है ना। में हम देखते हैं कि देखना है कि चारों में अलग कौन है। तो पहला हमारा है वाट इंटू सेकेंड, वाट यानी पावर, सेकेंड यानी टाइम,
पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगा, क्योंकि पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम होता है। फिर किलो वाट इंटू आवर, किलो वाट भी पावर है, आवर भी टाइम है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एनर्जी आएंगे, दोनों का जूल हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यानी एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये चार्ज हो गया। वोल्ट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क बाय चार्ज, इसलिए हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, वर्क का भी क्या हो जाएगा, जूल। लेकिन फोर्थ में जूल इंटू सेकेंड है, तो क्योंकि ये तीनों में जूल है और चौथा में जूल सेकेंड है, इसलिए डी। बराबर क्या होता है आई आर, और आई का जो वैल्यू है वो ई बाई आर प्लस आर है इंटू आर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ई बाई आर प्लस आर बाई आर, यानी ई बाई आर से आर में डिवाइड देंगे तो वन आएगा, और ये हो जाएगा आर बाई आर, तो ये हो जाएगा। निकालना है कि ओम मीटर किसका यूनिट है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, आर का ओम इसका हम लोग नहीं जानते हैं, एल का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा। तो जब हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा, इसलिए ओम मीटर जो यूनिट होगा वो रेजिस्टिविटी का होगा। बल्ब ए और बी है, ए का रेजिस्टेंस आर ए माना गया है और बी का रेजिस्टेंस आर बी माना गया है, और इसमें दिया गया है कि दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ए बहुत ज्यादा तेज जलता है। क्योंकि ए बहुत ज्यादा तेज जल रहा है, इसका मतलब यह हुआ इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा जा रहा होगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम जा रहा होगा। जैसे ही कोई करंट आई यहाँ पर से पास होता है तो इसके सामने जाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज्यादा जाएगा। इस तरीका से ब्राइटर होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि आर ए इज लेसर देन आर बी, और यही हमारा। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उसका अपना खुद का एक गुण होता है, तो इसीलिए कंडक्टिविटी को डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो जब हम लोग रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। दिया हुआ है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जो एक आइडियल बैटरी से जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल भी है, और क्वेश्चन होता है कि अगर इस आर के वैल्यू को डिक्रीज किया जाए तो पावर में क्या चेंज होगा। हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर,
और यहाँ पर क्योंकि भी हमें कांस्टेंट दिया गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो, जैसे ही आर को हम लोग डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे है, तो इसके डिक्रीज करने से क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए पावर। फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है। अब देखो, जब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो H1 by H2 जो होगा वो बराबर होगा R by 2R के। R से R कट जाएगा तो H1 और H2 का रेशियो 1:2 आ जाएगा।